भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने गानों और अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में आई खबरों के मुताबिक भोजपुरी अभिनेता की दूसरी शादी भी टूटने वाली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभिनेता ने आरा फैमिली कोर्ट में गुरुवार को तलाक की अर्जी डाली है। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने अभिनेता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पवन सिंह विवादों में फंसकर चर्चा में रहे हो। इससे पहले भी वो कई विवादों से घिर चुके हैं। आइए जानते हैं वो 5 मौके जब पवन सिंह विवादों में रहे। सबसे पहला, पत्नी नीलम की हत्या का आरोप। पवन सिंह ने पहली शादी नीलम से की थी, लेकिन पवन सिंह से शादी के 6 महीने बाद ही 8 मार्च 2015 को ही नीलम ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। नीलम का शव मुंबई के फ्लैट से बरामद किया गया था, जिसके बाद पवन सिंह पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। दूसरा, अक्षरा सिंह का करियर बर्बाद करने की धमकी। पहली पत्नी नीलम की मौत के बाद पवन सिंह का कई एक्ट्रेस के साथ नाम जोड़ा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ उनका अफेयर। हालांकि ज्योति सिंह से दूसरी शादी के बाद दोनों यानी पवन और अक्षरा अलग अलग हो गए। इस दौरान अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक्ट्रेस ने पवन सिंह पर केस करते हुए उन पर करियर बर्बाद करने, शादी के बाद भी संबंध रखने और शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। तीसरा, ग्लोबल हिट लॉलीपॉप गाने पर बवाल। पवन सिंह के यूं तो कई सुपर डुपर हिट गाने हैं, लेकिन उन्हें देश विदेश में अपनी पहचान सुपरहिट सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू से मिली। हालांकि पवन सिंह अपने इस गाने को लेकर भी विवादों में रहे। दरअसल इस गाने के सामने आते ही पवन सिंह पर आरोप लगा था उनका ये गाना एक डबल मीनिंग सॉन्ग है। सानिया मिर्जा के गाने पर विवाद। जी हाँ, अपनी निजी जिंदगी को लेकर विवादों में रहने वाले पवन सिंह की प्रोफेशनल लाइफ भी काफी विवादित रही। बोल्ड और एडल्ट कंटेंट के लिए मशहूर भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर कई बोल्ड फिल्में और गाने रिलीज होते रहते हैं। इसी बीच पवन सिंह के गाने सानिया मिर्जा के कट नथुनिया पर जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल गायक ने इस गाने के बोल पर विवाद होने के बाद उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा था। और सबसे आखिरी में, खेसारी लाल यादव के साथ जुबानी जंग। जी हाँ, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ अपनी जुबानी जंग को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे। दरअसल सोशल मीडिया पर खेसारी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो नए कलाकारों को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे थे। खेसारी का ये वीडियो पवन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने खेसारी को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद दोनों की ये जुबानी जंग काफी चर्चा में थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।